अच्छा जी, तो पिछली क्लास में हमारी बात हो रही थी स्टैक्स के ऊपर। तो स्टैक्स का हमने कुछ कोड भी करके देखा था, पुश और पॉप का। और हमने देखा था कि जब हम पुश का मेथड कॉल करते हैं तो स्टैक में वैल्यू ऐड होती है, और जब हम पॉप का मेथड कॉल करते हैं तो स्टैक में वैल्यू रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टैक्स स्टैक की एप्लीकेशंस के ऊपर, कि स्टैक का कहाँ कहाँ ज्यादातर यूज होता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पे जब आप वेबसाइट्स विजिट कर रहे होते हैं ब्राउजर पे, तो वहां पे आपने देखा होगा एक बैक का बटन। यानी कि जब आप बैक करते हैं तो जो पिछली पेज विजिट किया होता है वो नजर आ जाता है, फिर बैक करते हैं तो उससे पिछला जो पेज विजिट किया होता है वो नजर आ जाता है। तो यानी अगर आप गौर करें तो वो जो पेजेस स्टोर हैं ब्राउजर अपने पास जो हिस्ट्री मेंटेन करके रख रहा है, वो हिस्ट्री किस तरह मेंटेन कर रहा है कि कौन सा पेज आपने कब कब विजिट किया और किस ऑर्डर में विजिट किया। तो जब आप बैक कर रहे होते हैं तो उससे पिछला आ रहा होता है, फिर उससे पिछला आ रहा होता है। तो एक्चुअली ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है कि किस ऑर्डर में आपने चीज को विजिट किया। या इसी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर जब आप अंडू कर रहे होते हैं, तो जब आप अंडू करते हैं तो पिछला ऑपरेशन जो है, जो भी आपने किया होता है, वो इरेज हो जाता है। फिर दोबारा अंडू करते हैं, फिर हो जाता है। फिर उस अंडू करते चले जाएं तो आहिस्ता 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 आप ओरिजिनल शक्ल पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया। इसी तरीके से जो फंक्शन कॉल मैकेनिज्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, मिसाल के तौर पे फंक्शन ए से आपने फंक्शन बी कॉल किया और बी से सी कॉल किया, जब सी एंड होगा तो आप वापस कहाँ जाएंगे? फंक्शन ए से आपने बी कॉल किया और बी के अंदर से सी कॉल किया, जब सी एंड होगा तो आप कहां जाएंगे? बी में जाएंगे। कैसे जाएंगे? आपको कैसे पता कि बी से कॉल हुआ था? हाँ, एक्चुअली होगा ये कि एक स्टैक बना हुआ है, उसमें सबसे पहले जो है वो मेन का मेथड है। मेन के मेथड से ए मेथड कॉल हुआ, वो उसके ऊपर आ गया। फिर ए से बी कॉल हुआ तो बी ए के ऊपर आ गया। फिर बी से सी कॉल हुआ तो सी बी के ऊपर आ गया। और जब सी एंड हुआ तो नीचे बी है, लिहाजा बी पर आ गए। फिर बी एंड हुआ तो बी से आप ए पर आ गए, और ए एंड हुआ तो ए से आप मेन मेथड में। मेन मेथड एंड होता है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये काम भी बाय यूजिंग स्टैक ही होता है। सही है। अच्छा, क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू जो है वो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं वो वेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे लोगों ने एक साथ प्रिंटर पे पेज प्रिंट करने के लिए भेज दिया, तो वो एक क्यू बना हुआ होता है, और जिसकी बारी आती चली जाती है वो प्रिंट होता रहता है। या जो स्केड्यूलिंग है, जो कि प्रोसेसर यूज कर रहा होता है कि किसको कितना टाइम देना है हर एप्लीकेशन को, मल्टीटास्किंग जो हो रही होती है वो भी बाय यूजिंग क्यू ही हो रही होती है। तो स्टैक की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि स्टैक जो है उसमें नॉर्मली एक कंस्ट्रक्टर होता है, और जावा के अंदर डॉट यूटिलिटी के अंदर भी एक स्टैक की क्लास मौजूद है, और वो स्टैक की क्लास ही करती है कि आप उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप उसकी मदद से उसमें जो मौजूद मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। एक तो स्टैक हमने बनाया था और उसमें जाहिर है कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, लेकिन ये जो स्टैक है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो पुश पॉप और पीक का मेथड है उसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ऑब्जेक्ट पास होने से मुराद आप इसमें किसी भी किस्म का इंटीजर डबल कुछ भी पास कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये एक एडवांटेज है अगर आप इस स्टैक की क्लास को यूज करें। इसमें आप पीक का मेथड भी है, पॉप का भी है, पुश का भी है, सर्च का भी है, और एम्प्टी का मेथड भी है, और आप इसकी मदद से बड़े आराम से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टैक के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने तीन इंटीजर ऐड करवाए, पीक किया और पॉप करवाए, तो तीनों इंटीजर जो है वो हमें प्रिंट होकर नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लास यूज करके दिखा देता हूँ। ये तो हमने स्टैक बनाया था, अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और उसके अंदर हम करते ये हैं कि यहां पर हम इंपोर्ट करवाते हैं जावा स्टैक। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि
सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे, एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, ठीक है। और वो कैसे ले सकते हैं हम, वो हम ऐसे ले सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे जनाब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट लेने के लिए दायरा में क्या करना पड़ेगा, स्कैनर की क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ऊपर जो है वो जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। तो स्कैनर की क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसमें जाके मैं लिख रहा हूं, चले। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा, str इसका मैं नाम रख रहा हूं, और यहां पे लिखा हूं इनपुट डॉट नेक्स्ट। इनपुट डॉट नेक्स्ट से मेरे पास एक स्ट्रिंग जो है वो इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टारगेट मेरा ये है कि मैं करूंगा ये कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए बहुत आसान लॉजिक से वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें असल में यहाँ स्टैक को यूटिलाइज करना है, तो वो हम जरा यहाँ देखना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि स्टैक की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये वो स्टैक है जो जावा डॉट यूटिलिटी के अंदर मौजूद है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप बनाते हुए इसमें ये भी बताते हैं कि कौन सी डेटा टाइप का, जैसे ये स्टैक जो है वो हमने फॉर कैरेक्टर बना लिया, समझ में आ रही मेरी बात। जेनेरिक्स पढ़े थे आपने, हाँ हाँ, जिसने पढ़े थे और जिसने नहीं पढ़े थे टेंशन ना लें, किसी को कुछ नहीं आता, सही है। स्टैग हमने बना ली, जेनेरिक्स ही होते हैं कि आप क्लास कुछ इस तरह बनाते हैं कि वो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हमने जो पुश और पॉप का मेथड और स्टैक की क्लास बनाई थी, उसमें जो एरे बनाया था वो कौन से डेटा टाइप का बनाया था, इंटीजर। अब उस स्टैक में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हैं, अगर उसमें डबल या कैरेक्टर कुछ और करना चाहें तो प्रॉब्लम है। जेनेरिक स्टैक एक ऐसा स्टैक की क्लास होगी जिसके ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप जो चाहें डेटा टाइप उसमें भेज दें, यानी बनाते वक्त बता देंगे इसमें ये वाली डेटा टाइप होगी। जैसे यहां पर हम ये बता रहे हैं कि ये जो स्टैक है इसमें आप कैरेक्टर वैल्यू भेजेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ये स्टैक की क्लास हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में से एक एक वैल्यू निकालकर स्टैक में पुश करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लगा रहा हूं एक लूप जो कि चलेगा str डॉट लेंथ तक, और str डॉट लेंथ कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होता है ये असल में होता क्या है, ये होता है एरे ऑफ कैरेक्टर है, तो लिहाजा इसमें लेंथ की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, सही है। क्या हो गया कि भंग पीकर आया तुम लोग, हैं भंग पिए तुम लोगों ने कभी, नहीं पी, फिर कौन सा नशा करते हो, सस्ता वाला कौन सा करते हो, चाय वाला नशा, चाय तो नशा है, और इसके अलावा कौन सा नशा करते हो, हैं गांजा, ये क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, गंजे का कोई भाई लग रहा है गांजा, चले। बहरहाल, तो फॉर का लूप हमने यहां लगा दिया जो कि जीरो से str डॉट लेंथ तक जाएगा, सही है। ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये डिपेंड करता है कि यूजर ने इनपुट क्या किया, सही है। यूजर जो कुछ भी इनपुट करेगा उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी दफा ये लूप चलेगा। अच्छा, अब इस लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि मैं यहां पर बना रहा हूं एक कैरेक्टर, और ये कह रहा हूं कैरेक्टर सी एच, और फिर मैं कहता हूं जनाब str डॉट कैरेक्टर एट, और यहां पे रख देता हूं i, ठीक है।
कैरेक्टर ऐड जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग की क्लास में. एसटीआर किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग का. जिस तरह लेंथ का फंक्शन है स्ट्रिंग में, इसी तरह कैरेक्टर ऐड का फंक्शन. ये सब आप पढ़ चुके होंगे. कैरेक्टर ऐड जो है अगर उसको को मैं इंडेक्स दूं तो वो इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर रिटर्न करता है. मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मिसाल के तौर पे मैंने स्ट्रिंग एक बनाया जिसमें एबीसीडी स्टोर है, सही है? तो अगर उसमें एबीसीडी स्टोर है तो इसका मतलब उसमें कैरेक्टर कितने हैं? अबे ए बी सी डी चार स्टोर हैं. जी डी नहीं सुना आपने. तो ए स्टोर है उसमें, बी स्टोर है उसमें, सी स्टोर है उसमें और डी स्टोर है. तो ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है और ये थ्री पर है, सही है? अच्छा अब अगर मैं कैरेक्टर एड जीरो करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, अगर मैं कैरेक्टर एड वन करूंगा तो बी मिल जाएगा, कैरेक्टर एड टू करूंगा तो सी मिल जाएगा और कैरेक्टर एड थ्री करूंगा तो डी मिल जाएगा. समझ में आ रही बात? क्योंकि स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स. बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बनाते हैं. तो ये सी एच में पहली दफा जो पहला कैरेक्टर होगा वो आएगा, फिर दूसरा, इस तरीके से. अब मैं करूंगा ये कि ये जो स्टैक का ऑब्जेक्ट है इसका मैं पुश मेथड कॉल करूंगा और उसमें सी एच भिजवा दूंगा, सही है? तो इस स्टैक के अंदर ये सी एच एड हो जाए. ये जो स्टैक है इसका कोई साइज भी नहीं है, तो ये भी हमें एक एडवांटेज है अगर हम इस वाली स्टैक की क्लास को यूज करें. तो हमने किया ये कि एक ही कैरेक्टर इसमें पुश करवा दिया स्टैक के अंदर. जब स्ट्रिंग की लेंथ खत्म हो जाएगी तो जाहिर है स्टैक में वैल्यू पुश होना एंड हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे. फिर लूप से बाहर आके मैं एक और लूप लगा रहा हूं, दूसरा लूप है. अच्छा अब मैं यहां पर स्ट्रिंग भी एक और बना रहा हूं. स्ट्रिंग मैंने बना ली एक आउटपुट के नाम से और इनिशियली इसमें एम्प्टी रख दिया. अच्छा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं आउटपुट प्लस इक्वल्स टू एसटी डॉट पॉप. इससे क्या होगा कि ये स्टैक में से एक एक वैल्यू पॉप करेगा और किस में ऐड कर देगा? आउटपुट में. फिर एट दी एंड जाकर मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आउटपुट. कीबोर्ड की आवाज आ रही है मुझे. अच्छा जी तो होगा क्या इस प्रोग्राम का? आपके ख्याल में क्या होगा? क्या ये प्रोग्राम कर क्या रहा है? बता तो चुका हूं ऐसा ना. यहाँ कोई लकड़ी कट रही है क्या? लकड़ी का काम हो रहा है यहाँ कहीं? अच्छा पॉप तो रिमूव करता है ना, लेकिन रिमूव करके आ कर रहा है. देखिए इस प्रोग्राम का होगा ये कि अगर मैं मिसाल के तौर पे इंटर करता हूं ए बी सी डी तो ये मुझे रिटर्न करेगा डी सी बी ए, रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करता है. समझ में आ रही बात? अच्छा अगर मैं यहां पर लिखता हूं जनाब कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या प्रिंट होगा? ये तो कह रहा है एच सी यू के क्यों नहीं लिया? तो क्या करें फिर? क्या लिखूं यहां पर? अब ये पूरा का पूरी लाइन जो है वो इनपुट लेगा. तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कुछ समझ नहीं आ रहा
ये आपको बता रहा है कि इसको क्यों समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और आपको आज एक दुनिया का सबसे बड़ा उसूल मैं आपको बता दूं। देखें, ये एक लफ्ज है, ये किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये राइट डायरेक्शन में लिखा हुआ है तो भी ये सही है, और अब ये रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है तो भी सही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? गलत तो सही हो, ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता। आप गलत बोले सही बोले ये सही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चले, तो ये क्या क्या कहलाता है, कौन सा करेक्टर होता है ये, जो रिवर्स और वैसे जो है वो एक ही तरह नजर आता है? जी, पैलिंड्रोम कहा जाता है इसे। ये काम आपने सारे किए होंगे। यहां पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि स्टैक को आप यूज कैसे कर सकते हैं, कौन से स्टैक को, जो यहां मौजूद है, कहां पर, जावा डॉट यूटिलिटी के अंदर। नगला करवाएंगे मुझे ये, चले जी। तो ये स्टैक की क्लास के अंदर ये सारे मेथड है। अच्छा, स्टैक जो है वो अभी जो हमने इंप्लीमेंट किया है वो बाय यूजिंग हमने किया था, बाय यूजिंग एरे। नहीं तो वो तो हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट की जगह इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन कर दिया था। इनपुट डॉट नेक्स्ट जो है ना वो स्पेस पे जाके रुक जाता है, नेक्स्ट लाइन जो है वो पूरी जो है वो सेंटेंस को इनपुट लेगा। तो असल में वो जो लूप था जब हमने पहली दफा इनपुट डॉट नेक्स्ट किया था तो वो कुछ के ऊपर ही स्टॉप हो गया था, उसने इनपुट में लिया ही सिर्फ कुछ था क्योंकि उसके आगे स्पेस आ गया था, ठीक है, जबकि नेक्स्ट लाइन करने में पूरी की पूरी लाइन इनपुट आई थी, तो लूप हर एक के ऊपर चला था। क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही, दोबारा बोले। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम है? नहीं, ये तो आप खुद करके बताएं, इस प्रोग्राम में कोई मसला है तो बताएं, ये समझ नहीं आया तो बताएं। अब आप अगर इसमें रिबन लगाना चाह रही हैं, कलर चेंज करना चाह रही हैं, या इसको एक जो है ना वो त्रिकोण की शक्ल में दिखाना चाह रही हैं, जो करना चाह रही हैं ये आप खुद करें इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा था मुझसे पूछना, ठीक है, कि इसमें ये चीज कैसे हो रही है। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं ये आपका काम है, आप घर जाके प्रैक्टिस करें और जो आप आउटपुट करना चाह रहे हैं वो आप इसमें लेकर आए, सही है। चले, तो बात हम कर रहे थे स्टैक की, तो मैं ही कह रहा था आपसे कि स्टैक को बाय अभी हमने यूज किया है बाय यूजिंग एरे, सही है। तो बाय यूजिंग एरे यूज करने की वजह से कोई एक प्रॉब्लम हमारे सामने, और वो क्या है, वो ये है कि भाई एरे का साइज फिक्स्ड होता है, और ये प्रॉब्लम थी हमारे वाले स्टैक में जो हमने खुद बनाया था, उसमें हमने साइज मेंशन किया था। जो यूटिलिटी वाला एरे जो है, यूटिलिटी वाला स्टैक, उसमें मसला नहीं है। तो लिंक लिस्ट भी यूज हो सकती है स्टैक को बनाने के लिए, अभी हमने लिंक लिस्ट पढ़ी नहीं है, तो जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त उस पर ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। आप ये समझ लेंगे जब लिंक लिस्ट यूज करते हैं तो ये साइज का मसला जो है वो नहीं होता, ठीक है। बस ये समझ लें कि अगर हम बाय यूजिंग स्टैक, बाय यूजिंग एरे या बाय यूजिंग लिंक लिस्ट अगर एक स्टैक बनाते हैं तो परफॉर्मेंस पे बड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक स्टैक हम लिस्ट के थ्रू बनाएं तो उस पर साइज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है,
लेकिन हर इस एलिमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ती है, जबकि एरे के लिए बनाए तो बहुत सिंपल होता है और उसका साइज फिक्स्ड होता है। यार यहाँ खिड़की खिड़की खोल देना यार, मुझे जो है ना असल में मेरा हार्डवेयर हो गया पुराना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती चीजें, हैं अपडेट हो नहीं सकती ना यार, एक वक्त होता है, एक वक्त होता है अपडेट करने का। ठीक है, अभी तुम लोगों का अंदाजा नहीं है, अभी तो तुम जो बोल यार, वो लकड़ी की स्मेल आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा, हार्डवेयर जब पुराना हो जाता है ना तो फिर आप एक हद तक ही उसकी सर्विस करवा सकते हो, समझ में आ रही मेरी बात? फिर एक वक्त आता है बोलता बस उठा के फेंको यार इसे, अब कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि उसको कोई वापस खरीदने को भी तैयार नहीं होता। चल आ जाएगी तुम्हारी बात समझ। चल अभी तो तुम जो चाहे खा लेते हो, कोई मसला नहीं है तुम लोगों का, है ना? अभी तो तुम वो बासी बर्गर वाला, अंडे वाला बर्गर भी खा लेते हो, है ना? जिसका जो है बन कबाब जो है वो 10 दिन से फ्रीजर में रखा हुआ होता है, क्या ख्याल है ना? और पकाने वाले का पसीने भी उसमें बड़ी अच्छी तरीके से शामिल होता है, नमक ज्यादा हो जाता है, नमकीन हो जाता है ना, सब चल जाता है, सब चल जाता है। अभी दाता बिरयानी भी चल जाती है, सब चल जाता है, क्योंकि अभी हार्डवेयर नया है आपका। जब हार्डवेयर थोड़ा पुराना हो जाएगा आपका तो फिर बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे आपका, सही है? हर एक के साथ होगा, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, ऐसे ही होगा, सही है? जब हार्डवेयर पुराना हो जाता है तो फिर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। नहीं नहीं हार्डवेयर पुराना हो जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है? बैड सेक्टर आ जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, अक्सर आपको बैठे बैठे ख्याल आता है कि मैं क्यों बैठा हूँ, जैसे ख्याल आता है कि मैं यहाँ बैठा था तो यहाँ कब आया, क्यों आया, क्या वजह थी, वो मेमोरी से चीज निकल जाती है ना। चले बहरहाल, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यू। क्यू क्या है, क्यू क्या है? ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है? अच्छा, इससे पहले जो है वो आप ये समझ लें कि आपको एक असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कितने दिए मैंने आपको? दो दे चुका हूं, दो थे एक वक्त में, दो थे तो दो ना, सही है? अब असाइनमेंट नंबर 3 आप नोट कर लें अपना। असाइनमेंट नंबर 3 क्या है? असाइनमेंट नंबर 3 है रिलेटेड टू स्टैक। रिलेटेड टू स्टैक, सही है? अरे भाई, नया असाइनमेंट जो है वो स्टैक के हवाले से है, सही है? है क्या? अब मैं सोच रहा हूं आप कौन सा कर लेंगे। अच्छा देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो 1, मेरे पास लिखा हुआ जो नाम 2 + 3 × 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24, कितना लोग ऐसे जो कह रहे हैं 24 आएगा? कितना लोग ऐसे जो कह रहे हैं 20 आएगा? अच्छा, और कितने और कौन कौन से? अच्छा, कुछ लोग 14 वाले हैं, कुछ लोग 24 वाले हैं, और कुछ लोग 20 वाले हैं। अच्छा, 14 वाले कितने हैं भाई? अच्छा, बाकी 20 और 20 वाले कितने हैं? और 24 वाले बाकी तो हज करने आए हैं यहाँ पर। क्या आएगा भाई आंसर? अच्छा, तो बेटा ये जो 20 और 24 वाले ना, ये काम करें, घर जाए, वो होती है ना देग, होती है ना देग, उसमें तेजाब डालें,
वो भी घटिया वाला, सस्ता वाला, उसको उबालें। सही है। अच्छा, उबालने के बाद करना ये है कि उसको एक छोटे से चमचे से पीना है पूरा। हाँ, उसमें थोड़ा सा अगर चाहे मसाला डाल लीजिएगा, लेकिन पूरा पीना है वो। सही है, समझ में आ रही बात? ये रोजाना खाने से पहले और खाने के बाद। असल में जो लोग इस इक्वेशन को देख के 14 के अलावा कुछ और कह रहे हैं, उनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जी यार, मतलब ये बच्चों को बात बताई जाती है, वैसा ना करें यार, आप लोग ऐसी बातें ना करें। आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, हमेशा यही होता है। सही है। मतलब प्ले ग्रुप में बैठे हुए बच्चे ये कर रहे होते हैं, भाई ऐसा ना करो यार, हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, अनलेस के यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हो। सही है। अच्छा, आप मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से एक इक्वेशन इनपुट लेता है और उसका आउटपुट रिटर्न करता है। सही है। जैसे अभी हम स्ट्रिंग ले रहे थे ना इनपुट, तो स्ट्रिंग में वो एक इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन में ब्रैकेट्स नहीं है, विदाउट ब्रैकेट्स है, और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड है और कुछ नंबर्स हैं। आपने उस इक्वेशन का रिजल्ट निकाल के आउटपुट में देना है। समझ में आ रही बात? अब ये प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे? आप करेंगे ये कि उस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। जैसे अगर ये स्ट्रिंग आ गई तो आपने पहले 2 निकाला, सही है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आपको मिलेगा प्लस, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा 3, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा स्टेरिक, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा 4। समझ मारी बात? आपने इन सब की कैलकुलेशन करके रिजल्ट रिटर्न करना है, ये प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी लॉजिक कुछ इस किस्म की है कि जाहिर है एक नंबर होगा और नंबर के बाद फिर एक कैरेक्टर कोई ऑपरेटर होगा, तो आप ये कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स बना रखे हैं, पहले वेरिएबल में 2 आ गया और दूसरे एक ऑपरेटर वाला वेरिएबल है उसमें ऑपरेटर आ गया, फिर दूसरे वेरिएबल में 3 आ गया, आपने 2 ऑपरेटर 3 परफॉर्म करके रिजल्ट स्टोर कर लिया, लेकिन यहां तो पहले प्लस हो जाएगा, जबकि पहले प्लस नहीं करना है, अगर पहले प्लस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि दो स्टैक्स बनाने हैं। अगर नंबर आ रहा है तो उसको पहले स्टैक में डालेंगे, और अगर ऑपरेटर आ रहा है तो उसको दूसरे स्टैक में डालेंगे। सही है। जब एंड हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रिंग एंड हो जाएगा, तो अब आप एक कैरेक्टर निकालेंगे पहले स्टैक में से, फिर ऑपरेटर वाले स्टैक में से, फिर नंबर वाले स्टैक में से, और उनको अप्लाई करेंगे। लेकिन इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका ऑपरेटर वाला स्टैक है उसमें वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस हो, यानी कि अगर स्टैरिक और प्लस है तो स्टैरिक ऊपर हो और प्लस नीचे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हर चीज तो मैं करके नहीं दिखा सकता ना, तो बस इसको यूं समझ लें कि आपने ये काम करना है। असाइनमेंट ही एक्चुअली ये है कि आपने ये करना ये है कि बाय यूजिंग स्टैक इस इक्वेशन को सॉल्व करके आउटपुट बताना है। ऐसी हो या कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मैं कर सकता हूं 2 × 3 + 4, तो जाहिर है उसका आंसर डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो पहली दफा आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग ये मसला सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन हमारी ऐसी है जिसमें ब्रैकेट्स नहीं है, विदाउट ब्रैकेट है। सही है, ठीक है। ये काम करना है, और उसके लिए थोड़ा सा जो हल्का फुल्का आइडिया था वो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में दे चुका हूं कि स्ट्रिंग कैसे बनाना है, इनपुट कैसे लेना है, कि कैरेक्टर कैसे निकालना है, स्टैक में कैसे पुश करना है। आपने दो स्टैक्स बनाने हैं। बात आ रही समझ में? अरे भैया,
जाते हैं और वो है हमारा क्यू, कि क्यू कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो क्यू के हवाले से समझ लें कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि क्यू में दो चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि क्यू का ऑर्डर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। और इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इन क्यू और एक होता है डी क्यू। तो इन क्यू का मतलब है क्यू में वैल्यू ऐड करना, और डी क्यू का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, निकालना। तो अभी हम यहां पर अपनी एक क्लास बना देते हैं माई क्यू के नाम से, और इस क्यू की क्लास के अंदर जो है वो एक तो इसका कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम साइज नामी वेरिएबल ले लेते हैं, जिससे हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि भाई इतने साइज का ही क्यू होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर एक मेथड होगा इन क्यू का। इन क्यू का मेथड जो है उसको एक वैल्यू पास होगी और करेगा ये कि वो वैल्यू को क्यू में ऐड कर देगा। इसी तरह इसके अंदर एक मेथड होगा डी क्यू का। डी क्यू का मेथड जो है करेगा ये कि यहां से एक वैल्यू रिटर्न करवा देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस क्यू को हम यूज कैसे करेंगे, हम माई क्यू की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये मैंने 5 यहां पे पास कर दिया। तो ये क्यू कितने साइज का बन गया, 5 साइज का। अच्छा, आप क्यू के अंदर क्या होगा भाई, क्यू के अंदर लॉजिक हमारी तकरीबन वही है कि हमने यहां पर एक वेरिएबल बना रखा है, एक एरे बना रखा है इंटीजर टाइप का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं साइज वेरिएबल के हिसाब से। तो अगर यहां पर 5 साइज का इसने 5 वैल्यू भेजी कंस्ट्रक्टर में, तो एरे का साइज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन क्यू में क्या करना है, हमें इन क्यू में करना ये है कि अगर एरे हमारा फ्रॉम 0 to 4 है, तो वैल्यू जो आए वो पहले 0 में आए, फिर 1 पर आए, फिर 2 पर आए, फिर 3 पर आए, फिर 4 पर आए, ये करना है। तो क्या कोड लिखूं इन क्यू के अंदर, भाई मेरे पास एक एरे है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो हमारे पास था स्टैक में, कि एक एरे है और उसके अंदर इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 and 4। अब वैल्यूज ऐड हो रही हैं। अब जब वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो पहली वैल्यू 0 पर आनी चाहिए, फिर 1 पर आनी चाहिए, फिर 2 पर आनी चाहिए, फिर 3 पर आनी चाहिए, फिर 4 पर आनी चाहिए। तो क्या करूं उसके लिए, हाँ एक वेरिएबल में बना लो और उसमें इंक्रीमेंट करता रहूं, एग्जैक्टली जैसे कि स्टैक के अंदर पुश के मेथड में किया था। तो स्टैक की पुश की फंक्शनैलिटी और क्यू की इन क्यू की फंक्शनैलिटी सेम है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पर ये ध्यान में रखें कि स्टैक में जब हम बना रहे थे तो हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, काउंट रखा था, उसको ज्यादातर हम टॉप वेरिएबल कहते थे, क्योंकि उसी में वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है और उसी में डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन क्यू के अंदर हम उसको कह देते हैं जनाब अंडरस्कोर रेयर। रेयर से मुराद जहां वैल्यू ऐड हो रही है। और करेंगे क्या, हम ये जो रेयर है अंडरस्कोर लगा दें मैंने, जरूरी नहीं है, इसमें इनिशियली आप 0 रख दें, और इन क्यू के अंदर आप ये करें कि ये जो अंडरस्कोर रेयर है इसके अंदर वैल्यू रखने के बाद अंडरस्कोर रेयर जो है प्लस प्लस, कीबोर्ड दबाना जरूरी है ना, है ना, घर पे जाके नहीं करोगे तुम लोग, भाई तुम लोगों को 10 दफा समझाया गया, तुम लोग यहीं कोड करोगे तो मेरी वीडियो कौन जाके देखेगा, हैं?
समझ लो बेटा समझ लो, अभी ये कोड फाइनल नहीं है, इसमें मैं चेंजेस करूंगा काफी सारे, पहले समझ लो सकून सर। प्रोग्रामिंग जो है ना उसमें आपको समझना बहुत जरूरी है, सोच समझ के दिमाग लड़ा के नहीं करेंगे तो बेकार है। सही है? दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग काम कौन सा है? सोती रहोगे बेटा पूरी जिंदगी। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज होती क्या है? मजा किस चीज में आता है? बचपन में खिलौने में मजा आता है, जवानी में यूनिवर्सिटी में मजा आता है, फिर बुढ़ापे में कहीं मजा नहीं आता। मजा है क्या चीज भाई? इंटरेस्टिंग चीज होती क्या है? इंटरेस्टिंग चीज वो है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। दिमाग को बताना पड़ता है ये चीज इंटरेस्टिंग है, दिमाग को इंटरेस्टिंग लगने लगता है। बात समझ में आ रही है बेटा? दिमाग जो है ना आपके कंट्रोल में, आप दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? इसको जहां लगाएंगे ना ये वहीं लग जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैकेनिक के पास काम करने वाला जो छोटा बच्चा होता है उसका इंटरेस्ट उन्हीं चीजों में डेवलप हो जाता है ना जिसमें वो काम कर रहा होता है। ठीक है? या कोई आदमी जो है वो कोई भी किसी किस्म का दुकान खोली हुई है तो उसके बच्चे भी उसके साथ लग जाते हैं, उनका इंटरेस्ट उसी में डेवलप हो जाता है। बात ह्यूमन माइंड जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हर एक के पास सेम तरह का माइंड होता है। सही है? आपके ऊपर है आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो ह्यूमन माइंड है ना, आप ह्यूमन ही है ना, इसके अंदर इसकी इसकी जो वो है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप इसको जहां ले जाना चाहेंगे ये चला जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे ना तो अपनी मर्जी से जो ये हाथ मारेगा, क्योंकि इसको जाना कहीं ना कहीं है। सही है? इसको कंट्रोल करके इसको एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आपको खुद ब खुद ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पुराने जमाने में शायर वगैरह जो होते थे वो सारे सारे दिन जो है वो बैठ बैठ के शायरी करते रहते थे, घूम रहते थे ख्यालों में, तो उनको उसमें इंटरेस्ट आता था, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज थी। अब आप लोगों को शायरी से कोई दिलचस्पी है, आपको कोई गालिब के शायर शेर सुनाए तो आप क्या बोलेंगे? अभी क्या बकवास है, ऐसी बोलेंगे ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटरेस्ट है क्या चीज? इंटरेस्ट वो चीज है जहां आप अपनी अपनी जो है वो टाइम लगा रहे हैं। तो जिस चीज को आप इंटरेस्ट अपने आप को बोलें कि इंटरेस्टिंग है और उसमें टाइम लगाएं, वो खुद ब खुद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आपका फायदा है। अब आप बेकार चीज में इंटरेस्ट डेवलप करें या काम की चीज में इंटरेस्ट डेवलप करें। सही है? ठीक है चलें। तो मैं आपसे कह रहा था कि इनक्यू जो है उसमें एक वैल्यू आ रही है, और ये क्या कर रहा है? एरे में ऐड कर रहा है और वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि इनक्यू आप करते चले जाएंगे तो वैल्यू उसमें आती चली जाएगी और रेयर में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो क्या होगा भाई, अगर मैं यहां कॉल करता हूं nq.inq और 10 भेज देता हूं तो 10 कहां जाएगा? देखिए रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेयर की वैल्यू 1 होने से पहले ARR रेयर के अंदर क्या चला जाएगा? 10 चला जाएगा और रेयर की वैल्यू फिर इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। यहां पर रेयर की वैल्यू 0 थी, सही है? अच्छा उसके बाद मैं करता यह हूं कि यहां पर 20 भेज देता हूं, तो अब ARR 1 पर क्या चला जाएगा? 20, और एयर की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अगर मैं 30 भेजूंगा यहां पर तो ARR 2 पर क्या चला जाएगा? 30 और रेयर की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ARR 3 पर अगर मैं यहां 40 भेज दूं तो 40 चला जाएगा और रेयर की वैल्यू 4 हो जाएगी। सही है? फिर अगर मैं यहां 50 भेज दूं तो ARR 4 पे 50 चला जाएगा और रेयर की वैल्यू 5 हो जाएगी। और मजीद अगर मैं एक वैल्यू यहां भेजूं
तो ARR 5 पे क्या चला जाएगा, 60, और रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी है? अरे भाई यहाँ एरर आ जाएगा, एरर इसलिए आ जाएगा कि ARR 5 को एक्सेस करेगा, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या करें, यहाँ चेक लगा दें। चेक हम ये लगा देते हैं कि अंडरस्कोर रेयर जो है वो बराबर हो गया किसके, एरे डॉट लेंथ के। तो क्या करो भाई, तो ये वाला कोड नहीं चलाना है, ठीक है, बल्कि क्या करना है, बल्कि आपने करना ये है कि आप यहां पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यू इज फुल। अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली ये वही कोड है जो हमने स्टैक के पुश में लिखा था, बस वेरिएबल का नाम चेंज है। सही है, ये इन क्यू है। अच्छा, डी क्यू में क्या होगा जी, डी क्यू में जब हम डी क्यू को कॉल करेंगे तो डी क्यू एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, रेयर को अगर आप देखें तो रेयर की वैल्यू 4 हो चुकी है, अभी यहां पे 10 आ गया है, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, और यहां पर 50 है, तो रेयर की वैल्यू 4 है, बल्कि रेयर की वैल्यू 5 हो चुकी है, सॉरी, रेयर की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो अब अगर मैं यहां से रिटर्न करवाता हूं ए आर आर और यहां पर लिख देता हूं अंडरस्कोर रेयर, तो क्या ये कोड सही है या गलत है, क्यों गलत है भाई? हाँ, ये तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, तो क्या करें भाई जी, हमें एक और वेरिएबल यहां बनाना पड़ेगा और इसका नाम हम रखेंगे फ्रंट, और फ्रंट जो है ये भी इनिशियली 0 ही होगा, ठीक है, और करेंगे ये कि यहां से हम फ्रंट जो है वो यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी प्लस प्लस ही होगा, ठीक है, क्या फरमा रहे हैं। तो इसमें भी इंक्रीमेंट ही होगा, यानी पहले 0 की वैल्यू निकलेगी, फिर 1 की निकलेगी, फिर 2 की निकलेगी, फिर 3 की वैल्यू, फिर 4 की वैल्यू, तो इसमें भी चेक एक्चुअली कुछ इसी किस्म का होगा। यानी कि अगर फ्रंट की वैल्यू लेंथ के बराबर हो गई, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे क्यू इज एम्प्टी, और रिटर्न करवा देंगे -1। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं एम क्यू डॉट डी क्यू तो क्या रिटर्न होगा, 10 होगा, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखिए, जब मैंने डी क्यू कॉल किया तो फ्रंट की वैल्यू 0 थी, तो इसने रिटर्न क्या कर दिया, ए आर आर 0 की वैल्यू, ए आर आर 0 की वैल्यू 10 है, और उससे होगा क्या कि फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, रिटर्न क्या कर दिया इसने, 10। अच्छा, फिर इसी तरीके से जब मैं बार बार इसको कॉल करूंगा तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, अब फ्रंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, यहां पर 10 प्रिंट होगा या 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने दोबारा से कॉल किया तो अभी कहेगा क्यू इज एम्प्टी। अगर आप प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले ये कह रहा है क्यू इज फुल, फिर कह रहा है 10, 20, 30, 40, 50। अगर आप यहां पर
इन क्यू के अंदर ये जो हम वैल्यू ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करवा दें कि क्या वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई एडिड इन क्यू एट तो अब आप प्रोग्राम अगर रन करके देखेंगे तो देखें 10 कहां ऐड हुआ, 0 पे, फिर 21 पर हो गया, फिर 32 पर हो गया, फिर 43 पर हो गया, फिर 54 पर हो गया, फिर इसने कहा क्यू फुल है, फिर आपने जब वैल्यू निकाली तो पहले कौन सी वैल्यू बाहर आई, 10 बाहर आई। स्टैक में जब कर रहे थे तो पहले क्या बाहर आ रहा था, 50 बाहर आ रहा था, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा था। अच्छा यहां ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्यों में हम ये कर रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं, सही है। देखें इस चीज को अच्छी तरह जो है वो यहां पर समझ लें कि जब स्टैक रहता है हमारे पास तो स्टैक के अंदर हमारे पास दो मेथड है, पुश है और एक पॉप है। तो पुश के अंदर हम टॉप जो है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं और पॉप के अंदर जो है वो हम टॉप में डिक्रीमेंट करते हैं। अच्छा जब क्यू आता है हमारे पास तो क्यू के अंदर दो मेथड है, एक इन क्यू है और एक डी क्यू है। तो इसमें हम रेयर में प्लस प्लस करते हैं और इसमें हम फ्रंट में प्लस प्लस करते हैं, डिक्रीमेंट होता ही नहीं है क्यू के अंदर, सही है। ठीक है, स्टैक में पुश और पॉप के मेथड है। पुश में टॉप का ही वेरिएबल यूज होता है, पॉप में भी टॉप का ही वेरिएबल यूज होता है। क्यू के अंदर दो वेरिएबल हो गए, रेयर और फ्रंट, सही है। इन क्यू में भी वही इंक्रीमेंट होता है और डी क्यू में भी वही इंक्रीमेंट होता है। ये लॉजिक है स्टैक और क्यू की। अब इसमें कुछ चीजें जो है ना वो जब ये लॉजिक हम यूज करते हैं तो फिर हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पे अब मैं देखना चाहता हूं कि स्टैक जो क्यू जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो वो मैं किससे बताऊं, रेयर से बताऊं कि फ्रंट से बताऊं। भाई देखें अगर मैंने पांच वैल्यू ऐड करी और पांच रिमूव कर दी तो क्यू में कितनी वैल्यू है, जीरो है, लेकिन रेयर की वैल्यू क्या है, फाइव। तो रेयर तो नंबर ऑफ आइटम्स नहीं बता रहा ना, फ्रंट भी फाइव है क्योंकि पांच वैल्यू निकल चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। देखें आपने पांच वैल्यू ऐड करी तो रेयर की वैल्यू क्या हो गई, फाइव। आपने पांच वैल्यू रिमूव करी तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, फाइव। क्यू में कितनी वैल्यू है, हम जीरो, लेकिन फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू फाइव है। तो अब आप क्या बताएंगे, क्या करेंगे कि ये कैसे बताना है कि क्यू में इस वक्त कितनी वैल्यू है। नहीं, एरे डॉट लेंथ तो ही बताएगा कि एरे की लेंथ कितनी है। आप ये कैसे बताएंगे कि क्यू में कितनी वैल्यू है, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वो क्या होगा। समझ में आ रही बात। देखें स्टैक में ये सारा काम एक ही वेरिएबल से हो रहा था क्योंकि वहां अप्रोच ऐसी थी। अब हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं, n आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। इनिशियली कंस्ट्रक्टर में इसमें भी जीरो है। इसमें क्या होता है कि अगर वैल्यू ऐड होती है तो n आइटम्स प्लस प्लस, अगर वैल्यू रिमूव होती है तो भाई n आइटम्स माइनस माइनस।
अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्यू में कितनी वैल्यूज हैं, तो आप एन आइटम्स की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। मिसाल के तौर पे तीन वैल्यू ऐड हुई और दो रिमूव हो गई, तो एन आइटम्स की वैल्यू क्या होगी? वन होगी ना। सही है, सही है। तीन वैल्यू ऐड करी, दो निकाल दी, तो एन आइटम तीन दफा इंक्रीमेंट होगा, फिर दो दफा डिक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये है जनाब क्यू। अब यहां पे जो है एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और वो प्रॉब्लम